Okay, so next topic is locus. अच्छा एक बात ये बताओ, तुम लोग को कोऑर्डिनेट्स वगैरह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये तो सब अच्छे से पता है ना? ठीक है, अच्छा ओके ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अभी विजिबल है स्क्रीन आप लोगों को? यस सर। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लोकस। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स वगैरह आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा लोकस क्या होता है? लोकस ज्योमेट्री का काफी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, और तुम लोगों ने बोला था मेरे को सर ज्योमेट्री वाला पोर्शन करना है, लाइक सर्कल, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स, ट्रायंगल्स, इन सब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंगल, साइड्स, काफी सारे प्रॉपर्टीज। तो काफी सारा पोर्शन हम लोग लोकस के अंदर ही कवर कर लेते हैं। लोकस से काफी अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा आप लोगों को, उससे फिर ज्योमेट्री के अंदर जो भी चीजें होती हैं कि आप ये एंगल बताओ, वो एंगल बताओ, अच्छा ये दोनों साइड सेम है मतलब ये एंगल सेम होना चाहिए, वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा आप लोगों को यहाँ से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। काफी इजी चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सभी को पता होता है ये है एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बेसिकली देखो यार, ये सब काफी छोटे बच्चों को बताया जाता है एक्चुअल में, मतलब जितने भी प्लेसेस वगैरह होते हैं ना, तो वहां पे आप लोगों ने क्या किया, सबका लोकेशन फिक्स किया हुआ है। जैसे तुम गूगल मैप पे अपनी करंट लोकेशन पे क्लिक करना पहले, और उसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना, होल्ड करके रखना, तो ऊपर समथिंग कॉमा समथिंग शो करता है वहां पे कोऑर्डिनेट। हाँ, तो एक्चुअली वो कोऑर्डिनेट्स ही हैं। ठीक है, वहां पे उनको लेटिट्यूड, सॉरी एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐसा कुछ बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इनको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट और थोड़ा सा केयरफुली सुनना, जनरली बुक्स में इस तरीके से डिनोट होता है, मतलब ऑल फोर साइड्स में एरो, तो ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एरो शो करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन को, किसको शो करते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। लाइक ये यदि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है राइट साइड, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है लेफ्ट साइड, मतलब जहां पे इस एरो का टेल होता है। ठीक है, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्पेशलिटी क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट्स को शो करते हो आप एक्स कॉमा वाई। ठीक है, स्टार्टिंग में ये फिक्स है कि स्टार्टिंग में आपको लिखना है एक्स कोऑर्डिनेट एंड देन वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सपोज करो सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो फिर सबके आंसर्स डिफरेंट आएंगे, लाइक 2, 3 इधर कहीं पे आएगा 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 तो यहाँ पे है 2, 3 एंड 3, 2 1, 2, 3 3, 2 यहाँ पे, तो 2, 3 एंड 3, 2 सेम नहीं होता है। ठीक है, तो ये फिक्स कन्वेंशन है कि स्टार्टिंग में आपको प्लेस करना है एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में आपको प्लेस करना होता है वाई कोऑर्डिनेट। ओके, एक पॉइंट और, एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एस एब्सिस, हाँ, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एस कोऑर्डिनेट, डेफिनेटली। एक पॉइंट और, एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम, इसको थोड़ा फील करने का, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और यहाँ पे होता क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव आल्सो, तो और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या प्लेस कर देते हैं, मॉडुलस। ठीक है, एक पॉइंट और, एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस शो करता है वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस है दिस, वाई एक्सिस के राइट साइड में आप मूव करते हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y-axis के लेफ्ट में देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव। लाइक फर्स्ट और फोर्थ, इन दोनों क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, positive. और सेकंड और थर्ड, इन दोनों में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। ठीक है, तो सपोज करो अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट इट्स एब्सिस इज ऑलवेज जीरो, तो definitely that point is moving on the y axis. ठीक है, एक point,
this is x-axis. And जो y coordinate है this is distance from x-axis. ठीक है, x-axis के ऊपर मूव करते हो, y coordinate पॉजिटिव, x-axis के बिलो मूव करते हो, y coordinate नेगेटिव. लाइक फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों में y coordinate पॉजिटिव, एंड थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों में y coordinate नेगेटिव. ठीक है, एंड ऑन x-axis y coordinate जीरो. अगेन सिंपल है, ठीक है, ऑलरेडी जानते हैं हम लोग, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है अभी तक. ठीक है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, दिस इज x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y इज आल्सो नेगेटिव. इन फोर्थ क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव. नेगेटिव, ठीक है. एक पॉइंट और, यहाँ पे ये जो हम लोगों ने अभी कन्वेंशन यूज किया x लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, इन सब में कहीं पे भी इक्वेलिटी नहीं है. ठीक है, लाइक 0.5, 0 इन विच क्वाड्रेंट? Not any. हाँ, तो बेसिकली 5, 0 इसका वाई कोऑर्डिनेट है, 0 एक्स कोऑर्डिनेट है, 5 यानी यहाँ कहीं पे, इस जगह पे. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, या फिर ये जो एक्सिस है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, ये बाउंड्रीज है और ये बेसिकली किसी भी क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होती है. तो मैक्सिमम ये बोल सकते हो कि 5, 0 या फिर पॉजिटिव x एक्सिस ये फर्स्ट और फोर्थ को सेपरेट कर रहा है. ये नहीं बोलना चाहिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आता है. समझ गए? यस. ठीक है, ओके, सिंपल. अब देखो यार, इसमें वैसे तो काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और वो क्वेश्चंस तुम काफी इजीली कर ही दोगे. मैं कुछ मेन पॉइंट्स पे आता हूँ. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ये काफी इजी पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बोलो? दिस डिस्टेंस एक्स कॉमा, हाँ, दिस डिस्टेंस वाई, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा ये बोलो? रूट ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5. तो पी एक्स कॉमा वाई डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अच्छा, जो गूगल मैप होता है ना, उसका भी 0, 0 होता है. किसी को पता है कहाँ पे है वो? गूगल मैप्स पे भी जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना, तो वो भी सब किसी के रेफरेंस में, ऑब्वियसली बात है, कोऑर्डिनेट्स रेफरेंस में ही होता है. मतलब कोई भी प्लेस है, उसका लोकेशन, लोकेशन बेसिकली रेफरेंस होता है कि इसके रेफरेंस में. यहाँ से डिस्टेंस है 10 किलोमीटर हो सकता है, कहीं और से डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो, कहीं और से डिस्टेंस 25 किलोमीटर हो. ठीक है, तो तुम देखना, ये गल्फ ऑफ गिनी एक प्लेस है, गल्फ ऑफ गिनी, ये अफ्रीका के थोड़ा राइट साइड में है गूगल मैप्स पे. तो तुम उसको सर्च करना, वहां पे तुम्हें कोऑर्डिनेट 0, 0 दिखेगा. उसके राइट साइड में मूव करोगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इंक्रीज होता है, ऊपर मूव करोगे तो फिर सेकंड कोऑर्डिनेट इंक्रीज होता है. उसके लेफ्ट में मूव करोगे तो वहां पे फिर कोऑर्डिनेट थोड़ा नेगेटिव वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है. ओके, ठीक है. सेकंड पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ए इज x1, y1, पॉइंट बी इज x2, y2, डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होता है बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है, इसका डेरिवेशन भी काफी सिंपल ही है. सपोज करो ये है x1, y1, यानी दिस डिस्टेंस x1, दिस डिस्टेंस y1. सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, दिस डिस्टेंस x2, दिस डिस्टेंस y2. Now this distance x2 - x1, हाँ, और this distance y2 - y1. Definitely आप use कर सकते हो यहाँ पे right angle triangle. Now this distance
square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Whole square under root. Any doubt? No. ठीक है, तो अभी काफी सारे क्वेश्चंस बनना इस चैप्टर में स्टार्ट हो जाते हैं. उसके पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं सेक्शन फॉर्म. एक सेकेंड में थोड़ा इसको बंद. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन फॉर्म. ये भी आई थिंक सभी लोगों ने पढ़ा है पहले. एक होता है इंटरनल सेक्शन या इंटरनल डिवीजन, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डिवीजन. ये आप लोगों को लास्ट में बताया था. इसका मीनिंग क्या है? दिस इज ए, ये है बी, यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, ये डिस्टेंस है लेट्स से 6, ये डिस्टेंस है 4. तो पी इज डिवाइडिंग ए बी इन विच रेशियो? 3:2. 3:2, ठीक है, ओके. और एक सपोज करो इस तरीके से कोई सिचुएशन है. दिस इज ए, ये है बी, और यहां पे है पी. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 5, या फिर इसको 5 कब करते हैं, इसको कितना प्लेस करना चाहिए 3:2 के लिए? 5 or 10. ठीक है, अभी पी ओके डन. नाउ अगेन पी ए इज इक्वल टू 15, पी बी अगेन पी ए अपॉन पी बी 3:2. क्लियरली पॉइंट पी ये अभी सेगमेंट ए बी पे लाई कर रहा है क्या? बोलो नहीं. हाँ, this is called as external division and this is internal division. Okay, simple. यार देखो मैं ये सब consider करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा आता है, तो फिर भी कोई doubt है किसी को तो आप लोग बता सकते हो ना. Starting वाला portion थोड़ा pass करते. हाँ बोलो सर. वो distance between two points में sin के साथ लेना होता. हाँ यार, सब कुछ साइन के साथ ही लेना होता है. सब कुछ साइन के साथ ही लेना होता है. क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग काफी सारे, ठीक है, करने वाले हैं क्वेश्चंस, टेंशन मत लो. चलो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं तुम बोल रहे हो, ठीक है. लाइक दिस क्वेश्चन, पॉइंट ए इज 5, 3, पॉइंट बी इज 4 या फिर 3, -2. फाइंड आउट डिस्टेंस ए बी. अगेन इतना माइंड यूज नहीं करना होता आप लोगों को, डायरेक्ट माइनस करो. 5 - 3 स्क्वायर 4, 3 - -2 5 square 25. Answer root 29. Again x1 minus x2 भी use कर सकते हो. x2 minus x1 भी use करोगे तो कोई issue नहीं है, because a minus b whole square और b minus a whole square same ही होता है, ठीक है. 5 - 3 whole square या 3 - 5 whole square दोनों same ही आने वाले हैं. Mistake बस ये मत करना कि आप पता लग रहा है x कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस कर रहे हो, बस वो मत करना, बाकी सब ठीक है. तो इफ यू राइट 5 - 3 होल स्क्वायर या फिर 3 - 5 होल स्क्वायर सेम ही आंसर आने वाला है. तो 5 - 3 2 होल स्क्वायर 4, 3 - -2 5 स्क्वायर 25, एंड टोटल कितना हो गया बोलो? 29, ठीक है. सपोज करो सी है दिस -2, 10. AC distance find करो कितना आएगा. और आप equivalent क्यों लिख रहे हो वो A point A के लिए? Okay, यार देखो actually क्या होता है, जैसे अभी तुम्हारा address कोल्हापुर है, ठीक है हर्ष? हाँ. तो हर्ष is equal to कोल्हापुर, ये थोड़ा दिखने में ठीक नहीं लगता है. तो equivalent का meaning ये होता है कि ये information बता रहा है इसके बारे में, समझ गए? कि हर्ष से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कोल्हापुर. हर्ष कोल्हापुर के इक्वल नहीं है. हाँ. तो पॉइंट ए इसका लोकेशन है 5, 3. हाँ. तो ये इंफॉर्मेशन को शो करता है, बाकी और कुछ स्पेशलिटी नहीं है यहाँ पे, समझ गए? हाँ. हाँ ये डिस्टेंस है,
ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल साइन यूज कर लेते हैं, ठीक। ओके एसी 5 -2 यानी कि 7 स्क्वायर करोगे तो 49। नाउ 3 -10 -7 स्क्वायर 49। फाइनल आंसर 7√2। 7√2 ये थोड़ा सा आप डायरेक्ट लर्न करना चाहो तो कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए रूट टू अंडर रूट। ये फिजिक्स में भी काफी यूज होता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a² ए स्क्वायर पर अंडर रूट ए, 2 का अंडर रूट रूट 2, सो ए रूट 2। एनी डाउट? नो सर। करेंगे यार इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी। एक बार ये सेक्शन फॉर्मूला का मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे कि एक्सप्रेशन यूज क्या करते हैं हम लोग। ओके ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन पॉइंट ए पॉइंट बी, दिस इज x1, y1, दिस इज x2, y2, और सपोज करो ये रेशो है m1 रेशो m2 पॉइंट पी विल बी। तो देखो आपको यहाँ पे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का करना होता है, लाइक m1 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस कोऑर्डिनेट, सो m1 x2 प्लस m2 इनटू x1 अपॉन टोटल रेशियो m1 प्लस m2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, ये x कोऑर्डिनेट है। सेम एक्सप्रेशन फॉर y कोऑर्डिनेट, अगेन इसमें कुछ भी लर्न करने जैसा नहीं होता है ना, आप जस्ट m1 को मल्टीप्लाई करो x2 से, m2 को मल्टीप्लाई करो x1 से अपॉन टोटल रेशियो m1 प्लस m2, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन यानी तो काफी बेसिक्स की है एक्चुअल में ना ये सब आप लोग, ये पॉइंट पी की पोजीशन के लिए है। हाँ ये पॉइंट पी का पोजीशन है यानी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। सर तो फिर हम निकालेंगे कैसे कि पॉइंट पी इंटरनली डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली? वो इंफॉर्मेशन या तो आपको क्वेश्चन में देगा या फिर इनडायरेक्टली आप लोगों को पता चलेगा कि यार पॉइंट पी ये तो एबी के अंदर ही लाई कर रहा है, या फिर रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, कि ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, देन फाइंड आउट इन विच रेशियो पी डिवाइड्स ए बी, ठीक है, रेशियो का अमाउंट बताओ और इसके अलावा इंटरनल डिवीजन है एक्सटर्नल डिवीजन है वो भी फिगर आउट करो। वो क्वेश्चंस करेंगे यार अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तुम टेंशन मत लो, एक बार मैं जल्दी से सब फॉर्मेलिटी पूरी करके फिर क्वेश्चंस पे ही आने वाला हूं। ओके ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन ए बी, ये कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये कोऑर्डिनेट है x2, y2, समझने का ट्राई करना। अभी यहाँ पे डेफिनेटली पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट ए बी पे नहीं आने वाला है, पी विल बी आइदर ऑन द राइट साइड ऑफ बी या फिर ए लेफ्ट साइड ऑफ ए। अच्छा ये बताओ लेफ्ट साइड ऑफ ए या फिर राइट साइड ऑफ बी, ये कैसे डिसाइड करोगे? एक्स कोऑर्डिनेट से नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट से कैसे पता? पॉइंट पी लाइंग ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ए या फिर राइट साइड ऑफ बी, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे बोलो? डिस्टेंस से। डेफिनेटली डेफिनेटली सिंपल है भाई, लेफ्ट साइड ऑफ ए है तो पी ए डेफिनेटली लेस देन PB. और सपोज करो B के राइट साइड में है, अभी BP is less than AP. हाँ, PA is greater than PB. ठीक है, अब एक पॉइंट थोड़ा केयरफुली सुनना। देखो यार ये कंफर्म है कि एक्सटर्नल डिवीजन में पॉइंट P सेगमेंट AB पे लाई नहीं करते हैं। ओके लेकिन फॉर्मूले का डेरिवेशन करने के लिए या फिर जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी रिलेटेड टू एक्सटर्नल डिवीजन, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, उसमें आप पॉइंट पी को ए बी के अंदर ही बनाओ, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x1, y1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x2, y2, रेशो था m1 रेशो m2। अभी होता क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन में जो रेशो होता है ना वो नेगेटिव होता है, लाइक सपोज करो आपका आंसर आता है 3:5, पॉजिटिव रेशो है, डेफिनेटली इंटरनल डिवीजन,
और सपोज करो आंसर आता है दिस माइनस थ्री रेशो फाइव, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो माइनस थ्री अपॉन फाइव, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्सटर्नल डिवीजन। अच्छा इस तरीके से कुछ आ गया कि पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन फाइव, तो नेगेटिव साइन है डेफिनेटली एक्सटर्नल डिवीजन एंड पॉइंट पी लेफ्ट साइड ऑफ ए या फिर राइट साइड ऑफ बी। राइट साइड ऑफ बी। ठीक से बताओ। बेटा नेगेटिव साइन है ना, इसका मीनिंग जस्ट इतना है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है अभी पी ए अपॉन पी बी है थ्री अपॉन फाइव, डेफिनेटली पी ए लेस देन, हाँ तो कहाँ पे होना चाहिए? लेफ्ट साइड ऑफ ए। हाँ लेफ्ट साइड ऑफ ए। ओके सो ये पॉइंट है पी। रेशो एम वन रेशो एम टू, अभी करते क्या है फॉर एक्सटर्नल डिवीजन कैलकुलेशंस आप एक रेशो को नेगेटिव पुट करोगे, केवल इतना माइंड में रखना है वन रेशो को हम लोग नेगेटिव यूज करते हैं बस, अभी कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला इसके लिए लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हालांकि बुक्स में होता है कि एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला है, इंटरनल डिवीजन के लिए वो फॉर्मूला है, नहीं लर्न करना होता। ठीक है आप केवल इतना माइंड में रखो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एक्सटर्नल डिवीजन है तो रेशियो सॉरी डायग्राम इंटरनल वाला ही बनाओगे, बस एक रेशियो नेगेटिव। ठीक है और यहाँ पे अभी विद साइन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या आएगा बोलो? एम वन एक्स टू माइनस एम माइनस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन माइनस एम टू। अगेन मिस्टेक ये होता है, लोग यहाँ पे क्या करते हैं डिनोमिनेटर में भी एम वन प्लस एम टू यूज करते हैं तो वो मिस्टेक हो जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, आपको विद साइन ही यूज करना है। ओके सेकेंड वाई कोऑर्डिनेट एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपॉन एम वन माइनस एम टू। एक पॉइंट और, तुम सपोज करो यहाँ पे नेगेटिव यूज करते हो एंड दिस पॉजिटिव, तो भी सेम ही आंसर आने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाला है बोलो? माइनस एम वन एक्स टू प्लस एम टू अपॉन माइनस एम वन प्लस। ठीक है अभी ये बताओ दिस एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन सेम और डिफरेंट? सेम 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 100% सेम। लाइक ए माइनस बी अपॉन सी माइनस डी और बी माइनस ए अपॉन डी माइनस सी, सेम ही है। ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? ठीक है तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी एक रेशियो नेगेटिव यूज करो वही आंसर है। अगेन एक्सटर्नल का सेपरेट कोई फॉर्मूला आप लोगों को लर्न नहीं करना होता है, ये लर्न नहीं करना है, लर्न करोगे फंस जाओगे, मैं फिर से बता रहा हूँ काफी सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे, तो इसको लर्न मत करना, केवल इतना माइंड में रखो वन रेशियो विल बी नेगेटिव। हाँ ठीक है सर, वन रेशियो विल बी नेगेटिव, रेशियो ही नेगेटिव होगा ना, मतलब वन रेशियो का मतलब ये है कि इन दोनों में से एक पार्ट। हाँ ये तुम्हें क्लियर हो गया ना? हाँ ठीक है तो इसको लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हें क्लियर हो गया। ओके क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ एग्जांपल काफी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज पॉइंट हर्ष कोई भी कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से। 2.3 पॉइंट बी माइनस टेन कॉमा फाइव। ठीक है फाइंड पॉइंट पी डिवाइडिंग ए बी। अच्छा एक पॉइंट और, डिवाइडिंग ए बी या बी ए वो देख लेना, लाइक ए बी इन टू रेशो थ्री यानी कि दिस, और डिवाइडिंग बी ए इन थ्री, हाँ तो फिर ये टू थ्री। तो रेशियो वाले क्वेश्चंस में ऑर्डर क्या है वो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए आपको। सो फाइंड पॉइंट पी डिवाइडिंग ए बी इन एनी रेशियो टू रेशियो थ्री, फर्स्ट इंटरनली सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सटर्नल।
ये ट्राई करो. अभी तो इसमें क्लासिक क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होंगे यार, अभी तो जैसे स्टार्ट हुआ है. So, integral. आज किसी ने फर्स्ट रखा है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हों में से? हर्षवर्धन नहीं रखा तुमने फर्स्ट? इसके अलावा और कोई? पॉइंट पी. सो 2 इंटू माइनस 10 यानी कि माइनस 20. 3 इंटू 2 6 अपॉन 2 प्लस 3 5. 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 3 9 अपॉन 2 प्लस 3 5. ठीक है, तो ये हो गया माइनस 14 अपॉन 5 कॉमा 19 अपॉन 5. अगेन 2 इंटू माइनस 10 3 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3 For y coordinate, 2 into this 5 and 3 into this 3. So 2 into 5, 10, 3 into 3, 9 upon 2 plus 3, yani ki total ratio, aur ye iska answer hai, finally minus 14 upon 5, 19 upon 5. Theek hai. Second external. Again, koi extra form ka, formula run karne ka requirement nahi hota hai. Aap just ratio ke one component ko negative use karoge. Like 2 ratio. माइनस थ्री. हाँ, अभी विद साइन फॉर्मूला अप्लाई. सेम फॉर्मूला जो आप लोगों ने इंटरनल के लिए यूज किया था वही सेम. टू इंटू माइनस 10 माइनस 20 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 3 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट. 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 अपॉन m1 प्लस m2 विद साइन यानी कि 2 माइनस 3. ओके, सो फाइनली कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर 26 कॉमा 1 माइनस 1. एक पॉइंट और, एक्चुअल में पॉइंट q विल बी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ a या फिर राइट साइड ऑफ b? लेफ्ट साइड ऑफ. हाँ, क्योंकि यह दिख रहा है ना क्यू ए रेशियो क्यू बी है 2:3 यानी क्यू ए इज लेस देन क्यू बी, तो ऐसे डिस्टेंस है कम. कम डिस्टेंस के लिए आपको ये लेफ्ट साइड में ही प्लेस करना पड़ेगा, वरना फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट है 26 कॉमा माइनस 1. इसमें कोई डाउट है किसी को बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन सॉल्व करो. इन विच रेशियो पॉइंट पी डिवाइडिंग एबी, ये क्वेश्चन. अगेन इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, काफी इजी है ना. लाइक ये डिस्टेंस फाइंड करो, ये डिस्टेंस फाइंड करो, फिर दोनों का रेशियो आंसर. लेकिन अभी इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीख रहे हैं तो इस फॉर्मूले से यूज करना.
तो ये पॉइंट है 1.4, दिस पॉइंट इज -2, -1/2, पॉइंट पी है -1.1, फाइंड करना है आपको कि इन विच रेशियो पॉइंट पी डिवाइडिंग ए बी, ठीक है। वन मोर थिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल ये भी डिसाइड करना है। तो अभी करते क्या है, देखो या तो तुम ये कर सकते हो, दिस रेशियो कंसीडर्ड एज m1 रेशियो m2, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, टू वेरिएबल्स है m1 और m2 बोथ, ठीक है। एक पॉइंट और, लाइक 3:5 और 3/5:1, सेम और डिफरेंट? सेम। तो एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रेशियो फाइंड वगैरह करना होता है तो क्या रेशियो कंसीडर करूँ, ए रेशियो बेस्ट रहता है, विद इन विद इन वन स्टेप आंसर आता है ना, ठीक है। अभी पॉइंट पी के लिए आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन का ही करना है, ठीक है, यूज इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। फॉर एक्स कोऑर्डिनेट करते हैं, पॉइंट पी एक्स कोऑर्डिनेट -1, ठीक है। नाउ के इनटू -2 के 1 इनटू दिस 1, 1 इनटू 1 इज 1 अपॉन के प्लस 1, हाँ टोटल रेशियो यानी कि के प्लस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -k -1, देन ट्रांसपोजिशन 2k - k यानी कि k, ये इधर 2, तो k इज इक्वल टू 2, यानी रेशियो इज रेशियो 1, हाँ 2:1, ठीक है। अगेन वाई कोऑर्डिनेट से भी फाइंड कर सकते हो, लाइक सपोज करो चेक करते हो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज 1 एंड देन दिस के मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर -1/2k, ठीक है। 1 इंटू 4 अपॉन k प्लस 1, हाँ ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k प्लस 1 इज इक्वल टू -k/2+4, और अभी -k/2 को लेके आओगे लेफ्ट साइड में, यानी कि +k/2 3k/2 1 राइट साइड, 4 - 1 3, 3 और 3 कैंसिल, अगेन k इज इक्वल टू, डन। अगेन एक पॉइंट और, हियर रेशियो इज इंटरनल पॉजिटिव, सो डेफिनेटली इंटरनल डिवीजन, ठीक है। कोई डाउट है इसमें बताओ? सर एक्सटर्नल में भी पॉजिटिव हो सकता है? नहीं, एक्सटर्नल में पॉजिटिव नहीं आएगा बेटा, एक्सटर्नल में अपने आप से नेगेटिव ही निकल के आएगा। हाँ सर। हाँ, तुम लोगों ने आई थिंक फिजिक्स में तुम्हारा मोशन वगैरह हो गया क्या, रेक्टिनियल मोशन ये सब हुआ है फिजिक्स में? तो वहां पे जब आप वेलोसिटी, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी फाइंड करना होता है तो आप उसको v ही कंसीडर करते हो, b आ गया पॉजिटिव यानी कि वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और सपोज करो v नेगेटिव निकल के आता है तो इसका मीनिंग क्या है बोलो? अपोजिट। हाँ, तो स्टार्टिंग में माइनस v कंसीडर नहीं करते ना, स्टार्टिंग में तो प्लस v कंसीडर करते हो, और सपोज b का वैल्यू नेगेटिव निकल के आ गया इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is this, again same question, in which ratio point P divides AB, ठीक है, ये question करो try इसको। Again same procedure है, k ratio 1 और फिर
देखो यार वैसे तो क्या दोनों कोऑर्डिनेट के लिए अप्लाई करके चेक करना चाहिए आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आता है, वो अभी तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो पहले स्टार्टिंग में कोई भी कोऑर्डिनेट के लिए यूज कर लो, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट, एंड देन फिर सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए आपको वो चेक करना चाहिए, वो ठीक रहता है चेक करना। सिक्स इज इक्वल टू एक्सप्रेशन बोलो 3k + 1 / k + 1। हाँ 3 × k + 1 × 1 / k + 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6k + 6 = 3k + 1 यानी कि 3k = -5/3 - 5/3 रेशियो नेगेटिव। इट रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल, हाँ डेफिनेटली एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। और उस रेशियो का मैग्नीट्यूड है कितना, 5:5। थ्री 5/3 = 1 और यू कैन से 5:3। अभी ये बताओ P लेफ्ट साइड ऑफ A या फिर राइट साइड ऑफ B? राइट साइड ऑफ, डेफिनेटली राइट साइड ऑफ B। वाई कोऑर्डिनेट भी चेक कर लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट इज -3 इज इक्वल टू K इनटू दिस नंबर 3/2 यानी कि 3k/2 प्लस दिस 1 × दिस नंबर 1 × 9/2 अपॉन k + 1। सो -3k - 3 इज इक्वल टू 3k/2 प्लस 9/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -3 टेक ऑन द राइट साइड, 9/2 + 3 एलसीएम 2 9 3 × 2 6 यानी कि 15/2। और ये जो 3k/2 है ना इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, ठीक रहेगा। -3 - 3k/2 एलसीएम 2 2 × 3 6 और 9 यानी कि -3k/2 2 × 2 कैंसिल, फाइनली k इज इक्वल टू सेम -5:3। देखो कई बार क्या होता है, ये चेक करने का रिक्वायरमेंट क्यों आ रहा है, कई बार x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो रेशियो आता है ना वैल्यू ऑफ k वो सेम नहीं आता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं ना कभी कि x कोऑर्डिनेट अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है, y कोऑर्डिनेट एक सेपरेट रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ऐसा होता है क्या बोलो? नहीं सर, फिर ऐसे क्यों आता है? हाँ तो तुम बताओ क्यों आता है ऐसा, क्या मीनिंग है उसका? कैलकुलेशन मिस्टेक। नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, चलो तुमने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया है फिर भी डिफरेंट आ रहा है, अभी क्या मीनिंग है इसका बोलो? He is not defined. सपोज ये क्वेश्चन है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2, 3 दिस इज लेट्स से 4, 6 ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी और एक पॉइंट पी एक्स्ट्रा कुछ लिख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको लिखते हैं 6, 8 और यहाँ पे लिखते हैं 4, 5 ठीक। अगेन सेम क्वेश्चन, इन विच रेशियो पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी, अगेन दिस पॉइंट पी रेशियो के रेशियो 1 एक्स कोऑर्डिनेट 4 इज इक्वल टू, फाइंड करो एक्स के अकॉर्डिंग और वाई के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट वाई के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ की फाइंड करो, देखो कितना है।
So 6k plus 2 upon k plus 1, and according to y coordinate, this will be 5 is equal to 8k plus 3 upon k plus 1. हाँ, simplify करो कितना आता है तो. तो यार देखो तुम्हें दिख रहा होगा डेफिनेटली दोनों रेशियो है डिफरेंट. तो एक्चुअल में ये पॉसिबल है क्या बोलो? नहीं, पॉइंट पी एग्जिस्ट ही नहीं करता. नहीं, पॉइंट पी एग्जिस्ट तो करता है पर फिर वो लाइन में लोकेटेड ही नहीं है कभी. हाँ, लेकिन वो पॉइंट पी इस एबी सेगमेंट पे नहीं है. इसका मीनिंग ये होता है, अगेन इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, ये जो फॉर्मूले हैं दीज आर एप्लीकेबल ओनली इफ ये जो पॉइंट पी है ये इसी सेगमेंट पे होना चाहिए. अंदर है तो इंटरनल, बाहर है सेगमेंट के, लेकिन इसी सेगमेंट पे. सेगमेंट नहीं बोलना चाहिए तब मेरे को, ठीक है? तब आप ऐसा रे बोल सकते हो इसको, यहीं पे आना चाहिए. यानी कि पॉइंट को लीनियर होना चाहिए तो ही फिर इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मली वैलिड होते हैं. अंडरस्टूड? आई पॉइंट पी विल नॉट लाई on line AB, या फिर तुम ये बोल सकते हो PAB are not collinear. तब ये क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं बनेगा कि इन विच रेशियो पॉइंट P डिवाइड AB, क्योंकि अभी वो डिवाइड नहीं कर रहा है. हाँ, लेकिन अभी ये क्वेश्चन तो एग्जिस्ट हो सकता है यार, PA रेशियो PB. तो फिर क्या कैसे फाइंड करना चाहिए ये बताओ. Distance formula. Definitely. Use distance formula. कोई डाउट है यहां तक बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ. एनी डाउट? एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये आप लोग ट्राई करो. टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट पी पॉइंट क्यू पॉइंट पी लेट से कुछ भी लेते हैं फोर कॉमा सेवन, ठीक है? पॉइंट क्यू माइनस टू कॉमा माइनस फोर, दिस इज पॉइंट आर. फाइंड पी आर रेशियो आर क्यू, ये क्वेश्चन ट्राई करो. अगेन ये एक लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन है दिस. ये आप लोगों ने स्कूल में ड्रॉ किया है क्या ग्राफ पेपर पे? वैल्यूज पुट करते हैं. हाँ, मतलब कई सारा डिस्कशन हो चुका है इसका, इसके बारे में ऑलरेडी हमने, है ना? ये आपको क्वाड्रेटिक में भी बताया था. इसका इजी मेथड ये होता है कि x कोऑर्डिनेट 0 पुट करो, वैल्यू ऑफ y डिनोट करो, एक बार वैल्यू ऑफ y 0 पुट करके वैल्यू ऑफ x फाइंड करो. क्योंकि एक लाइन को प्लॉट करने के लिए कितने पॉइंट सफिशिएंट होते हैं? दो. टू पॉइंट्स. तो दो पॉइंट्स तो ऐसे स्केल रख के इसको करते हैं आप जॉइन. बाकी जितने भी पॉइंट्स वगैरह आते हैं तो उनको ऐसे रफ कर देते हो और फिर यहीं पे इसको प्लॉट कर देते हो. खैर अभी लाइन का कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है, जस्ट ये लाइन का इक्वेशन है दिस. 2x plus 3y is equal to 6. आपको फाइंड करना है PR ratio RQ. एक्चुअल में प्लॉट करने मत लग जाना है ना, प्लॉट नहीं करना आपको ये. करो स्टार्ट करो, बताओ क्या आंसर है.
Anyone who can explain this question? एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना हाँ क्वेश्चन क्लियर हो गया लेकिन क्या करना है उसमें देखो PQ एक सेगमेंट है लाइन सेगमेंट और इसको एक लाइन विच इज दिस लाइन ये इसको ऐसे कट कर रहा है एट पॉइंट आर नाउ क्वेश्चन इज इन विच रेशियो दिस लाइन डिवाइड्स PQ लास्ट क्वेश्चन तक यहां पे आपको एक पॉइंट गिवन होता था ठीक है और क्वेश्चन की आर पॉइंट पीक्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है अभी क्वेश्चन है कि ये लाइन इस सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो क्वेश्चन काफी इजी है जो आपको बताया था ना बस वही करना है सपोज करो रेशियो कंसीडर करते हैं के रेशियो हाँ पॉइंट आर विल बी बोलो के टाइम -2k +4 अपॉन के प्लस वन एंड वाई कोऑर्डिनेट -4k +7 अपॉन k प्लस ठीक है एंड पॉइंट आर लाइज ऑन द लाइन 2x + 3y = 6 अभी इस लाइन पे सेटिस्फाई करता है मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को क्या करेंगे डेफिनेटली तो बस इनको रख दो यहाँ पे एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करो स्टार्ट करो बताओ क्या आंसर So 2 times x coordinate, यानी कि -2k + 4 upon k + 1 + 3 times y coordinate, -4k + 7 upon k + 1 = 6. Just इतना ही simplify करना है आपको. -4k - 12k, यानी कि -16k, and this is +8. +21, 21 + 8 = 29 = 6k + 6 देखो काफी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो किसी को कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो ना विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग बोल सकते हो ठीक है तो फाइनली 22k = 23 तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये PQ सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करना है 23/22 करेक्ट सही है अच्छा सपोज करो ये टोटल डिस्टेंस गिवन होता है आपको PQ तो फिर PR फाइंड कर सकते हो ना अभी सपोज करो PQ गिवन है आपको लेट से 450 ये ऑलरेडी गिवन है PQ तो फिर PR कितना आना चाहिए
PQ, ये टोटल डिस्टेंस गिवन है आपको 450. अभी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है PR. सर एक मिनट, थोड़ा नीचे करो. हाँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं. अभी ओके है? हाँ, तो आपको टोटल 23 बाय हाँ सही है, रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल अमाउंट, यानी पी आर डिस्टेंस विल बी 230 और आर क्यू 220. हाँ, कोई डाउट है इसमें बोलो. नहीं सर. ठीक है, अब एक सेकेंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझने का ट्राई करना थोड़ा सा. सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है आप लोगों को बताओ. इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन. हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, एंड मीडियंस क्या होते हैं ये बोलो. Divide the line, divide a line into, divides the side of a triangle into two. Equal. हाँ, मतलब actually vertex से line draw करते हो आप to the opposite side, such that it is bisecting the. ठीक है. Okay. And यहाँ से भी एक point. अच्छा, एक पॉइंट अल्टीट्यूड वाला ऑर्थो सेंटर होता है. हाँ, अल्टीट्यूड वाला ऑर्थो सेंटर होता है. एक्चुअली ट्रायंगल के अंदर फोर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और एक ऑर्थो सेंटर. ये सब धीरे धीरे आ रहे हैं अभी. ठीक है, तो फर्स्ट सबसे सिंपल होता है, दैट इज सेंट्रोइड. सेंट्रोइड ये एक्चुअली अभी लोकस का बेसिक्स चल रहा है, लोकस के क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं हुए हैं. एक बार आपको इन सबके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगा, फिर इसमें आप काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, एक पॉइंट और, एक चीज समझने का ट्राई करना. इससे पहले मैं तुम्हें एक सिंपल पॉइंट और बताया था. कंडीशन फॉर थ्री पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, ये ऑलरेडी आपको डिटरमिनेंट में बताया था. कंडीशन फॉर थ्री पॉइंट्स टू बी कोलिनियर. अच्छा, ये कंफर्म है कि टू पॉइंट डेफिनेटली कोलिनियर होते हैं, इसमें कोई डाउट है किसी को? थ्री पॉइंट्स का कोलिनियर होना कंपलसरी होता है क्या? नहीं. सपोज करो कोलिनियर, अच्छा कोलिनियर का मीनिंग क्या है, एक ही लाइन पे आने वाले पॉइंट्स. ठीक है, सपोज करो कोलिनियर नहीं है तो डेफिनेटली क्या फॉर्म हो जाएगा एक? ट्रायंगल. ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट x1 y1, दिस पॉइंट x2 y2, दिस पॉइंट x3 y3 और ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो उसका कुछ एरिया भी होना चाहिए. एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ डिटरमिनेंट. x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1. ओके, एंड सपोज करो ये पॉइंट्स है कोलिनियर. अभी कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है क्या? नहीं. ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है, मतलब उसका एरिया कितना आ गया? जीरो. तो डिटरमिनेंट जीरो. अच्छा, हाफ को अभी यूज नहीं कर रहे क्योंकि 0 into 2 is also 0. So basically determinant x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1, this determinant should be zero. ठीक है, अगेन कोई भी ऑर्डर आप यूज कर सकते हो, मैटर नहीं करता है. x1 y1 1, x2 y2 1 ये सब ऑलरेडी आप लोगों को बताया है. सपोज करो आप ऐसा कुछ लिखते हो, ठीक है, तो इसका मतलब मैंने जस्ट टू एडजेसेंट रोज को इंटरचेंज किया है. तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, साइन चेंज होगा, मतलब अभी आंसर आएगा 0 की जगह -0, तो सेम ही होता है ना वो तो. हाँ, ओके, तो दिस डिटरमिनेंट 0. एक पॉइंट और समझने का ट्राई करना, एक मेथड और, क्या मेथड पॉसिबल है बताओ डिटरमिनेंट के अलावा, और क्या पॉसिबल है? मतलब सेक्शन फॉर्मूला यूज करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, तुम ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लो. सपोज करो ऐसा कुछ आ गया सिनेरियो, लेट्स से ए बी आ गया 7√2, ठीक है, बी सी आ गया 5√2 और ए सी है 2√2. डेफिनेटली इन दोनों का समेशन इक्वल्स टू ए बी.
ए बी तो सिचुएशन क्या होना चाहिए मतलब कोलिनियर नहीं कोलिनियर तो है बेटा लेफ्ट टू राइट सी यहाँ पे सपोज करो बी सी और ये और फिर ये ए बी क्लियर बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी तो ये देख लेना ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है वहां पे उसी के अकॉर्डिंग फिर वो जो है उसका ऑर्डर अरेंज करना होता है आप लोगों को बाकी इतना करने का रिक्वायरमेंट है नहीं सिंपल जस्ट दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो ठीक है इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर नेक्स्ट सेंट्रोइड स्टार्ट करते हैं लेट्स से दिस पॉइंट है 2.5 दिस पॉइंट इज 4.2 दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी एंड पॉइंट पी के कॉमा के प्लस 1 find out k so that p a b are collinear points ye try karo again determinant is equal to 0 x1 y1 1 x2 y2 1 and x3 y3 1 is equal to zero. अभी कोई प्रॉपर्टी वगैरह यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है डायरेक्ट कर सकते हैं आप इस रो के अबाउट ओपन कर रहे हो तो k टाइम्स ब्रैकेट k प्लस 1 के प्लेस पे क्या यूज होगा बोलो माइनस ऑफ k प्लस 1 अगेन ब्रैकेट एंड प्लस 1 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 इन दिस ब्रैकेट नंबर बताओ फाइव माइनस टू ठीक है दिस ब्रैकेट बोलो माइनस टू टू माइनस दिस ब्रैकेट बोलो 16 फोर माइनस 20 यानी माइनस 16 हाँ सो दिस इज 3k 2k प्लस 2 और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 5k इज इक्वल टू 14 k is equal to 14 upon 5 इस सब यार काफी सिंपल चीजें चल रही हैं अभी कुछ भी एक ये कांसेप्ट थोड़ा ठीक था अभी तक कई बार क्या होता है ये रेशियो सेम ही आते हैं एक ये पॉइंट माइंड में रखना और एक ये क्वेश्चन माइंड में रखना कि इन विच रेशियो दिस l या दिस लाइन डिवाइड्स दिस सेगमेंट एक पॉइंट और इसके प्लेस पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सपोज करो इस तरीके से कोई लाइन सेगमेंट है ये पॉइंट गिवन है दिस पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन अगेन इन विच रेशियो अ कर्व कर्व है सपोज करो दिस डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट अगेन के रेशियो 1 कंसीडर करोगे ये पॉइंट फाइंड करोगे नाउ दिस पॉइंट विल बी सेटिस्फाइंग हाँ दिस कर्व तो वहां पे पुट करके सिंप्लीफाई वगैरह करो और फिर वैल्यू ऑफ के पॉइंट करो क्लियर ठीक है तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं उसमें ना बाकी सब सिंपल ही है टफ जैसा कुछ भी नहीं है तो एक ये पॉइंट था ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को इसमें कोई डाउट है बताओ कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर नाइस और भी मेथड्स होते हैं इसके स्लोप वगैरह भी मेथड्स होते हैं वो तो बाद में देखेंगे हम लोग इसमें डाउट है किसी को बोलो नाइस ठीक है अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ट्रायंगल्स वन बाय वन सबको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे सिंपल दैट इज सेंट्रोइड ठीक है तो क्लियरली सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन हाँ ठीक है पॉइंट ए बी सी सेम ऑल्सो सेम अभी यहां से भी एक लाइन पास एंड ये भी सेम अच्छा यहां पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों को इस जगह पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए अबाउट दिस लाइन वो पास ही करेगा क्या
वो पास ही करेगी ऐसे पॉइंट। ये डाउट आना चाहिए एक्चुअली में भाई, ये तो देखो ये तो कंपलसरी है कि टू लाइंस विच आर नॉट पैरेलल दे विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट ऑन अ पॉइंट। ठीक है, पैरेलल लाइंस नहीं होते हैं तो कट करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं थर्ड लाइंस को लेके आ रहा हूँ इधर से, तो उसका इस पॉइंट से पास होना कंपलसरी है क्या? बोलो नहीं है भाई, ऐसे भी तो जा सकता है ना ऊपर से। और सपोज करो इस तरीके से वो पास करता ही है ना सेंटर। हाँ, सपोज करो वो यहाँ से पास कर गया ऊपर से या फिर ऐसे बिलो से, तो फिर इसका सेंट्रोइड डिफाइन होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। ठीक है, तो इसका भी प्रॉपर प्रूफ होता है कि प्रूव दैट मीडियन थ्रू पॉइंट सी आल्सो पासेस थ्रू दिस पॉइंट। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? जी, इसको जी से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? जी, हाँ, एक्चुअली जी फॉर ग्रेविटी सेंटर होता है, तुम लोगों ने फिजिक्स में सुना होगा सेंटर ऑफ मास। हाँ, तो ये कुछ वैसे ही है, जो सेंट्रोइड होता है ना इसके प्रॉपर्टी सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, मतलब सेंटर सेंट्रोइड ही सेंटर ऑफ मास होता है। हाँ, एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का मीनिंग क्या है कि तुमने सेंटर ऑफ मास सुना है फिजिक्स में पहले ही बताओ। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इस कंप्लीट प्लेट, सपोज करो ये प्लेट है एक, हाँ, यहाँ पे ये कंडीशन कंपलसरी है कि ये जो प्लेट है उसका डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो ये मेटल से बना हुआ है और इस जगह पे कॉटन से बना हुआ है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, समझ गए? तो प्रॉपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए मास। तो इस कंप्लीट मास को आप एक पॉइंट पे सेंटर्ड कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। लाइक फुटबॉल होती है तो उसको आप कई बार ऐसे फिंगर पे रोटेट कर देते हो ना, तो मतलब कंप्लीट जो मास था, जैसे प्लेट होती है, डिस्क होती है कोई भी, तो उसको आप एक जस्ट एक पॉइंट पे कंसीडर कर, इस तरीके से उसको होल्ड करके और फिर उसको रोटेट कर देते हैं, यानी जितना भी उसका मास था ना वो सब एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया पूरा, उसको आप बोलते हो ग्रेविटी सेंटर या सेंटर ऑफ मास। वो तुम्हें फिजिक्स में गुप्ता सर पढ़ाएंगे। तो वहां पे जो ट्रायंगल होता है उसका सेंटर ऑफ मास कंडीशन कि वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म का मीनिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। यूनिफॉर्म का मीनिंग ये है कि सपोज करो ये जिस भी मटेरियल से बना हुआ है प्लेट, उसमें डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, समझ गए? तो वो सेंटर ऑफ मास पे ही आता है। ठीक है, तो उसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, ग्रेविटी सेंटर बोलते हो आप। तो यहां से पास कर गया अभी इसका थर्ड मीडियम, ये है लेट से ए बी सी, दिस इज पॉइंट डी ई एफ। यार समझना सारी चीजों को, इसके बाद में कोऑर्डिनेट्स के बाद में हम लोग ज्योमेट्री पे भी आने वाले हैं, तो काफी सारी चीजें यूज होने वाली है। ओके, ठीक है, ओके। एक पॉइंट तो ये सारे सेम है, यानी कि बी डी डी सी सेम, ई सी ए ई बी सेम, ए एफ और एफ बी इज ऑल्सो सेम। ठीक है, एक पॉइंट आप लोगों को ये भी पता होगा कि दिस इज पॉइंट जी, देन ए जी रेशियो टू रेशियो, ए जी रेशियो जी डी, या फिर बी जी रेशियो जी ई, या फिर सी जी रेशियो जी एफ फिक्स्ड होता है कितना? टू रेशियो वन, यानी सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन टू रेशियो वन फ्रॉम वर्टेक्स साइड। ये टू रेशियो वन नहीं, ये टू रेशियो। ठीक है, एक पॉइंट और, सपोज करो मेरे को इसमें एडी का मिड पॉइंट डिनोट करना है, एडी का मिड पॉइंट, तो वो एजी पे आना चाहिए या फिर जीडी पे आना चाहिए, ये बताओ? एजी पे, एजी, क्योंकि अभी ये सेगमेंट थोड़ा ग्रेटर लेंथ में है, तो एडी का मिड पॉइंट डेफिनेटली एजी पे ही आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, ये है एक्स वन कॉमा वाई वन, दिस इज एक्स टू कॉमा वाई टू, दिस इज एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट और, ये तो काफी सिंपल सा ही पॉइंट है, सबको ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, ये पॉइंट है ए, दिस पॉइंट इज बी, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। हां, समेशन अपॉन 2, समेशन अपॉन 2।
या फिर तुम इसको 1:1 जैसा भी ट्रीट कर सकते हो, 1 × x2 × x1 / 1 + 1. ओके, सो x1 + x2 / 2 / y1 + y2 / 2. नाउ डेफिनेटली पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए बोलो? x2 + x3 / y2 / y2 + y3 / 2. और ये रेशियो कितना है ये बोलो? 2:1. दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट डी. पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता है हम लोगों को, दिस इज x1 / y1. डी के कोऑर्डिनेट भी ऑलरेडी पता है, दिस इज पॉइंट जी. और ये रेशियो है 2:1. यार इसको बड़ा अजीब लग रहा है, इसको नॉर्मल लिख देता हूँ 2:1. ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी बोलो. x1 + y1 x1 + x2 + x3 / 3. ठीक है, सो 2 × x2 + x3 / 2 कैंसिल, यानी x2 + x3 एंड 1 × x1, यानी कि जस्ट x1 / टोटल रेशियो 3 एंड सेम फॉर y कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी ज्यादा इजी पॉइंट है. ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसका सेंट्रोइड क्या आता है बोलो? समेशन ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट है तो x, y कोऑर्डिनेट है तो y. सो x1 + x2 + x3 / 3 सेम y1 + y2 + y3 / 3. तो ये कुछ एवरेज जैसा हो गया है ना, x1 x2 x3 का एवरेज समेशन अपॉन 3, y1 y2 y3 का एवरेज समेशन अपॉन 3. एनी डाउट? नो सर. एक पॉइंट और पॉइंट ए बी एंड सी. ओके, अभी आप इनके मिड पॉइंट्स ज्वाइन करना. अच्छा, ये सबको पता होगा कि मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो ट्रायंगल, एक काम करते हैं इसको डी बोल देते हैं, ये तो ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर. हाँ, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो रेशियोज में होते हैं, लाइक ए ई रेशो ए बी इज इक्वल टू ए एफ रेशो ए सी. ठीक है, और ए एफ रेशो ए सी कितना आएगा? मिड पॉइंट है तो 1:1. ठीक है, एक पॉइंट और. सिमिलर ट्रायंगल के जो एरियाज होते हैं वो साइड स्क्वायर के रेशियोज में होते हैं, ये पता है सभी लोगों को? साइड स्क्वायर के रेशियो में होते हैं. इसका मीनिंग क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी साइड के रेशो का स्क्वायर. साइड रेशो कितना आ रहा है बोलो? 1:4. सपोज करो इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया है 100, देन एरिया ऑफ ए ई एफ 25. ठीक है, इजी पॉइंट तक हो गए. अभी मेन पॉइंट पे आते हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पे मिड पॉइंट जॉइन, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी जॉइन पॉइंट एफ, एंड एक मिड पॉइंट यहाँ पे, लेट्स से दिस इज पॉइंट डी, ये भी मिड पॉइंट है. ओके, अगेन दिस इज एरिया ए, तो ये भी ए आएगा, ये भी ए आएगा, रिमेनिंग ये भी कितना आ रहा है बोलो? ठीक है, ओके. अगेन ये तुम बता सकते हो यार, देखो बी जैसे सपोज करो टोटल एरिया होता लेट्स से पी. ठीक है, तो यहाँ पे आपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है. अगेन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल्स टू पी अपॉन पी बाय 4, दिस ट्रायंगल पी अपॉन 4, दिस ट्रायंगल पी अपॉन 4, तो ये भी कितना आएगा? पी अपॉन 4. पी अपॉन 4. ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन है ये कि ए बी सी
इसका सेंट्रोइड है जी. देन व्हाट अबाउट सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये बताओ. जी हाँ, मतलब ये कैसे कमेंट करोगे ये बोल. दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स. कौन से सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? एबीसी और डीएफ. हाँ ठीक है, फिर आगे. अगर सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो अच्छा सिमिलर होगा ना. सिमिलर ट्रायंगल तो ये भी है, तो क्या इनके सेंटर सेम है क्या? भाई सिमिलर ट्रायंगल्स का ऐसे इनसाइड लाई करना कंपलसरी होता है क्या? नहीं सर. और ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनका सेंटर यहाँ कहीं पे है, ऐसे होता है क्या? भाई ऐसे कभी तो नहीं हो सकता यार कि तुम्हारा प्लेट यहाँ पे है और तुम इधर कहीं पे फिंगर करके उसको होल्ड कर रहे हो, ऐसे होता है क्या? ये कंफर्म है कि सेंट्रोइड 100% ऑलवेज उसी ज्योमेट्री में आता है कहीं, तो इधर इधर कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन उस डिस्क के या उस शेप के अंदर ही आएगा, फिक्स है. ठीक है, तो एक पॉइंट ये समझना थोड़ा ध्यान से, इसका काफी इजी प्रूफ है वैसे कि तुम जैसे ये मिड पॉइंट्स थे, तुम सपोज करो इनके भी मिड पॉइंट ज्वाइन करते हो. लेट्स से इसका मिड पॉइंट है कोई भी नंबर, इस लाइन का भी एक मिड पॉइंट है, इसका भी एक मिड पॉइंट है, अगेन एक ट्रायंगल फॉर्म होगा. ये समझ रहे हो ना? लेट्स से दिस इज पी क्यू आर. अच्छा ये बताओ, इसका एरिया है पी, ट्रायंगल ए बी सी का, तो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया क्या होना चाहिए? अगेन सपोज करो फिर से ट्रायंगल बना देते हैं इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके. नाउ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल पी बाय 64. हाँ तो स्टार्टिंग में था पी, फिर पी अपॉन 4, फिर पी अपॉन 16, फिर पी अपॉन 64. Definitely geometric progression with common ratio. 1:4. हाँ तो इसमें infinite GP का question बन जाता है, और infinite GP का summation क्या होता है बोलो? First term upon 1 minus common ratio. ठीक है, वो एक अलग concept है, अभी यहाँ पे आते हैं वापस से. तो centroid of triangle ABCG, तो centroid of triangle DEF या फिर सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सब सेम ही होते हैं. ठीक है, ध्यान रखना. क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है. एक्चुअली दिस इज पॉइंट बी, यहां कहीं पे सेंट्रोइड आप सपोज करो इससे पास करते हो एक लाइन, तो ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, क्योंकि इसका सेंट्रोइड है ये सेंट्रोइड, इस ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड है, मतलब ये अपने आप से बाइसेक्ट हो जाएगा. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ फिर से बताता हूँ आपको. दिस इज एक कोई भी एक ट्रायंगल, ठीक है, और इसमें आपने एक फ्रिक ट्रायंगल बनाया अंदर, सच दैट ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों पोर्शन सेम, ये दोनों पोर्शन भी सेम, ये पोर्शन भी सेम. आप दिस पॉइंट और दिस पॉइंट को ज्वाइन करते हो. नाउ व्हाट अबाउट दिस लेंथ और दिस लेंथ? सेम, 100% सेम, क्योंकि ये सेंट्रोइड से ही पास होगा, ये इस ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड है, और जब ये सेंट्रोइड है तो डेफिनेटली दिस पॉइंट और दिस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या बन गया, मीडियन ही बन गया ना. हाँ. तो ये अपने आप से सेम निकल के आता है. समझ गए सर? प्रूफ क्या होता है? प्रूफ बताता हूँ, बाकी ये सब समझ में आ गया ना अभी तक? हाँ सर. एक पॉइंट और, एरिया यहाँ पर है a, then a by 4, then a by 16 and so. काफी सिंपल प्रूफ है इसका,
ठीक है, ये है x1 y1, x2 y2, x3 y3, अगेन आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो. दिस इज ट्रायंगल ABC, ये है D, E और F, ये दोनों पोर्शन सेम, ये सब भी सेम और ये भी सेम. D के कोऑर्डिनेट्स बोलो. x2 plus x3 कोऑर्डिनेट ही लिखना, x कोऑर्डिनेट ठीक है चलता है. E के कोऑर्डिनेट्स बताओ. x1 plus हाँ, और F के कोऑर्डिनेट्स बताओ. x1 plus x2 2 by 2. X, x1 plus x2 upon 2. ठीक है. Now, centroid of triangle DEF, again इन सारे coordinate का summation upon 3. हाँ, तो देख लो अभी कितना आता है. x1 plus x2 plus x3 by 3. Clear? हाँ. Yes. यानी कि सेम एस एनी डाउट सर. यानी कितने भी ट्रायंगल बनाएंगे, कितने भी ट्रायंगल बनाओ, ये सब लोग एक दूसरे को बाइसेक्ट करते चल जाते हैं. मतलब इसका जो सेंट्रोइड आएगा वो सब सेम ही आएगा. हाँ, तो ध्यान रखना इस पे. एक तो क्वेश्चन यही आता है, ऐसे क्वेश्चन देखो नहीं आता है किसी सेंट्रोइड के बारे में कमेंट करो कि इसका सेंट्रोइड कहाँ पे आने वाला है, ऐसे नहीं होता है क्वेश्चन. क्वेश्चन इनडायरेक्टली आता है कि यार यहाँ पे आप दिस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये दोनों लेंथ भी क्या है, डेफिनेटली इक्वल, क्योंकि वो उसका भी फिर मीडियन बन गया वो. ओके, एक पॉइंट ये कि एरिया ए ए बाई फोर, ए बाई सिक्सटीन, फिर ए बाई सिक्सटी फोर, और इस तरीके से ये बनेगा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये सब. अभी तो ये सब कोऑर्डिनेट्स में डील कर रहे हैं हम लोग, लोकस वगैरह होने के बाद फिर वापस से ज्योमेट्री पे आएंगे. तो इन सब में ये चीजें यूज होती हैं, सेंट्रोइड्स वगैरह ये सारी चीजें यूज होती हैं. ठीक है, एक पॉइंट हो इसको प्रॉपर पॉइंट है इसलिए. This is point number one. ये सब centroid के properties हैं. This is point number two. ये है point number three. अभी point number four. Triangle ABC. This is centroid Z. ठीक है, तो अभी ये portion थोड़ा सा observe करोगे ना, यानी कि point G dividing this whole triangle in three parts. First part, second part, third part. Important point ये है, इन तीनों parts के areas क्या होते हैं? Equal. ठीक है, ये ध्यान रखना. डेल्टा डेल्टा, दिस इज आल्सो डेल्टा. अगेन इसका डेरिवेशन क्या है वो तो फिर आपको प्रॉपर, वो तुम आप कर सकते हो, तुमने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ लिया है, कर सकते हो. x1 y1, x2 y2, x3 y3, पॉइंट g के कोऑर्डिनेट्स भी ऑलरेडी हम लोग को पता है. x1 plus x2 plus x3 upon 3, comma y1 plus y2 plus y3 upon 3. ठीक है, फिर डिटरमिनेंट फॉर्म से आप ये फाइंड करना, ये फाइंड करना, पूरा ओपन मत कर देना यार उसको. ठीक है, जस्ट दिस पार्ट और दिस पार्ट.
इनको एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करके देखना तो वो इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि एरिया ऑफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये तीनों आपस में सेम ही होते हैं। अगेन इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोग अपने आप से ट्राई कर सकते हो। हाँ तुम लोग करोगे और फिर यदि कोई डाउट आता है तुम लोगों को तो वो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है किसी को बोलो। एक पॉइंट और, ये लास्ट प्रॉपर्टी सेंट्रोइड। दिस इज ए बी सी, ये कोई एक रैंडम लाइन है, ठीक है। अच्छा इसका पैरेलल होना कंपलसरी नहीं होता, ये थोड़ा पैरेलल जैसा बन गया है, बाकी पैरेलल ये है नहीं यार। इसको मैं काम करता कहीं हो सकता है। ओके, L is such that it divides triangle ABC into two equal regions. Equal regions का मतलब होता है equal area. Then it must passes through सेंटर। ये ध्यान रखना, ये कोई भी एक रैंडम लाइन था और ये इस ए बी सी पूरा ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगेन दोनों इक्वल पार्ट का ट्रायंगल होना कंपलसरी नहीं होता, यहाँ पे नहीं है यार, है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है और ये एक सिंपल ट्रायंगल है। लेकिन कंडीशन ये है कि दिस पार्ट और दिस पार्ट, इन दोनों के एरियाज क्या आ रहे हैं इक्वल, तो 100% ये लाइन सेंट्रोइड से पास होता है। ठीक है, इसका रिवर्स स्टेटमेंट ये भी है कि सेंट्रोइड से जितने भी लाइंस पास होने वाला ऑल लाइंस, वो सब इस ट्रायंगल को एग्जैक्टली इक्वल एरिया में डिवाइड, हाँ टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को बोलो। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी थोड़ा समझने का ट्राई, एक एग्जांपल करते हैं पहले। दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ठीक है, ये है 1, 2, दिस इज -5, -4 और फिर क्या करें इसमें, सेंट्रोइड है सपोज करो 3, -4। Then find out point C. ये try करो। सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज लेट्स से x, y, h, k, तो h+1 और -5, यानी h-4/3 इक्वल टू 3 एंड y कोऑर्डिनेट k-2/2 होता है ना वो, नहीं यार टोटल रेशियो एवरेज होता है बेटा, ये क्या होता है एवरेज। हाँ तो k+2-4/3 इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट कितना गिवन है बोलो, तो h इज इक्वल टू 30 एंड k इज इक्वल टू -10, तो पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स काफी इजीली 13, -10। चलो एक क्वेश्चन वो करते हैं। ठीक है, टाइम हो गया तुम लोगों को
पेशेंस तुम लोगों का ज्यादा होगा मुझे लगता है. ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, काफी क्लासिक क्वेश्चन है. पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. ये पॉइंट है 1, 2, this is L1. L1 is median through point B. और इसका इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है आपको, और ये इक्वेशन है दिस 2x + 3y = 6. ओके, पॉइंट C से पास होने वाले मीडियन का इक्वेशन भी ऑलरेडी गिवन है आपको. थोड़ा ये लाइन एक्सेक्ट नहीं बन रहा है. This is L2. Median through point C. हर्ष कोई भी इक्वेशन बताओ, एनी इक्वेशन x और y में. 5x - 2y. 5x - 2y is equal to 3. Is equal to 3. ठीक है, आपको find करना है B and C coordinates. अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता. चलो ये तो सेकंड क्वेश्चन है ना, या फिर यही कर लेते हैं. क्वेश्चन ये रहा होता फाइंड आउट सेंट्रोइड, तो क्या करते बोलो. तो फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे. सॉल्व करते हैं, क्योंकि मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट यही क्या होता है, सेंट्रोइड. तो फिर वो दोनों मीडियंस के इक्वेशन को फुलफिल. हाँ, बस इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड जो तुम्हें कन्वीनियंट या सुटेबल लगता है. वैसे तो एलिमिनेशन सबसे सिंपल होता है यार, है ना. इसको मल्टीप्लाई करोगे 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2, और फिर प्लस या माइनस जो भी है वो डिसाइड कर लेते हैं वहां पे. तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आपको डेफिनेटली कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं सेंट्रोइड के. ओके, अभी सेंट्रोइड फाइंड नहीं करना है, आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी. सी ये क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए उनको. काफी इजी क्वेश्चन है और काफी क्लासिक क्वेश्चन है. सोच के बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. सर वो AC को हाफ में डिवाइड करती है लाइन, ना 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 वो लाइन, लाइन वन. Definitely. तो फिर AC के कोऑर्डिनेट्स कुछ रख देते और फिर इक्वेशन. एक मिनट, C के कोऑर्डिनेट्स कुछ रख के फिर आगे. देखो सर, C के सर तो फिर हाँ. जो पॉइंट जहाँ पे मिलता है AC को लाइन वन मिलती है हाँ. तो फिर वो कोऑर्डिनेट्स 1 + C के कुछ कोऑर्डिनेट्स और फिर 2 + C के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, फिर वो इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा. देखो C के कोऑर्डिनेट्स आप कंसीडर कर सकते हो, लाइक पॉइंट C डेफिनेटली L1 पे है या L2 पे. L2 पे, L2 है दिस. तो इसके हेल्प से पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं. लाइक सपोज करो C का मैं x कोऑर्डिनेट कंसीडर करता हूँ h, ठीक है, देन y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली कितना आएगा बोलो. फाइव एच माइनस 3/2, इसमें कोई डाउट है. नहीं. या फिर आप ऐसा करो कि इसके कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करो x1, y1, एंड x1, y1 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. ये क्लियर है आप लोगों को. हाँ. नहीं करना चाहिए, क्योंकि x1, y1 डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए ना. जैसे सपोज करो एक कोई भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है रेक्टेंगल का, और इसका आपको पेरीमीटर वगैरह गिवन है. लेट्स से पेरीमीटर गिवन है 30, तो या तो तुम इसको ए कंसिडर करके इसको बी कंसिडर करके फिर 2a + 2b कितना लिखोगे.
30, या फिर मैं डायरेक्ट इसको ए कंसीडर करता हूं, देन इट मस्ट बी 15 माइनस 15। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है आप लोगों को? यस सर। देन इट मस्ट बी 15 माइनस। अभी क्या है, यूज है इसका, वेरिएबल्स कम है यहाँ पे, जस्ट एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो सेम वैसे ही सपोज करो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एच, तो वाई कोऑर्डिनेट इसके हेल्प से कितना आ गया, 5h माइनस 3 अपॉन 2। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, ये बताओ। P के कोऑर्डिनेट्स इजीली लिख सकते हो, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हाँ ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन y1 plus y2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2 and these coordinates will satisfy which line? L1. Definitely P will satisfy the equation of the line L1, yani ye coordinates as it is utha ke yahan pe is jagah pe aap put karoge, सिंप्लीफाई वगैरह करोगे, फाइनली वैल्यू फाइंड करोगे h का, तो h आते ही x कोऑर्डिनेट आ गया, फिर यहाँ पे पुट करके y कोऑर्डिनेट आ गया। अभी ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में कंप्लीट करके आना है, ठीक है। तो ये पॉइंट c का कैलकुलेशन है और देन फाइंड करोगे पॉइंट b। हाँ तो ये क्वेश्चन होमवर्क में, ठीक है। हाँ, एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट वीक से मैथ्स की क्लास थोड़े ज्यादा रखते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत टाइम, मतलब काफी सारा पोर्शन होता है ज्योमेट्री के अंदर, ये जस्ट अभी कोऑर्डिनेट रिलेटेड चीज़ें, इसमें अभी तो बहुत सेंट्रोइड है, फिर ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर। अच्छा सरकम सेंटर क्या होता है बोलो? सर यानी ट्रायंगल के बाहर वाला जो सर्कल होता है उसका सेंटर। बाहर वाला सर्कल मतलब कितना बाहर, यहाँ पे? नहीं सर, यानी ट्रायंगल को एनक्लोज करने वाला। हाँ, ट्रायंगल को एनक्लोज करता है, या फिर सर्कम, बेसिकली सर्कमस्क्राइब सर्कल हो गया ये, मतलब जो इसके वर्टेक्स से पास हो रहा है, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी। हाँ वो सेकंड डेफिनेशन, एक्चुअली वो सेकंड डेफिनेशन नहीं है, वो मेन डेफिनेशन है। ये तो इमोशनल डेफिनेशन हो गया एक्चुअल में, कि इसके ये वर्टेक्स से पास होगा एक सर्कल और फिर इसका सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज इस सर्कल का सेंटर। ये सर्कल है सर्कम सर्कल, तो सर्कम सर्कल का सेंटर यानी कि सर्कम सेंटर, ठीक है। अच्छा एक बात ये बताओ कि ये डिस्टेंस है 5, देन दिस डिस्टेंस आल्सो 5, देन दिस डिस्टेंस आल्सो 5, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो क्या, सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कम रेडियस, सर्कम सर्कल का रेडियस सर्कम रेडियस, ठीक है। अभी एक पॉइंट ऐसा कुछ होता है जो भी जस्ट आस्था ने बोला था कि सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, आस्था क्या बोला था आपने, इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइक दिस साइड है इसका परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। देखो यार, एक साइड के परपेंडिकुलर काफी सारी लाइंस होती हैं, आपको चाहिए परपेंडिकुलर भी और साथ में क्या, बाइसेक्टर, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, ठीक है, वैसे ही सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी दिस एंगल 90 डिग्री, ये दोनों पोर्शन सेम, दिस एंगल 90 डिग्री, दिस पोर्शन आल्सो सेम, दिस एंगल 90 डिग्री, दिस पोर्शन आल्सो सेम। ये कैसे प्रूव करोगे कि सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स?
ये सब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग फॉर्मल तरीके से इसको नोट कर लेंगे. अभी जैसे इतना बताओ कि ये कैसे प्रूव करोगे आप कि सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. Anyone? No, sir. Coordinates find करके. नहीं, coordinates find करना जैसा कुछ भी नहीं है. अच्छा ये बताओ कि a point, थोड़ा carefully सुनना, a point is moving such that its distance from a fixed point is always fixed. तो point कहाँ पे move करे? Circle. डेफिनेटली इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का इस पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स है एंड दैट इज रेडियस. इसमें कोई डाउट? नो सर. सेकंड स्टेटमेंट, अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू पॉइंट्स आर ऑलवेज सेम. लाइक ये डिस्टेंस है 5, देन दिस इज ऑल्सो 5. ये है सपोज करो 7, then this is also 7. ये कहीं पे है 2 तो ये भी 2, तो ये पॉइंट कहाँ पे मूव करना चाहिए बताओ? स्ट्रेट लाइन. अरे यार स्ट्रेट लाइन तो ठीक है, परपेंडिकुलर. दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये साइड सेम, ये कॉमन और ये एंगल है 90 डिग्री. ठीक है, दोनों ट्रायंगल डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट, मतलब दिस पोर्शन आल्सो सेम. अभी तुम लोगों ने खुद ने बताया था कि जो है यहाँ पे सपोज करो ये सर्कम सेंटर है, तो दिस लाइन और दिस लाइन या फिर दिस लेंथ और दिस लेंथ डेफिनेटली इक्वल रेडियस है, तो ये पॉइंट कहां पे लाई करना चाहिए? इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे. ये और ये भी सेम है बिकॉज ऑफ रेडियस, तो डेफिनेटली दिस पॉइंट विल लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन. अंडरस्टूड? Yes. ऐसे क्या डिफरेंट लोकस होते हैं, जैसे सर्कल भी एक लोकस है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक लोकस है, एंगल बाइसेक्टर भी एक लोकस है, ऑर्थो सेंटर भी एक लोकस ही होता है. लोकस क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर तुम बोल सकते हो एक पाथ पॉइंट का, जो कि फिक्स कंडीशंस या फिर कुछ गिवन कंडीशंस गिवन सर्कमस्टेंसेस में मूव करते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं लोकस. चलो बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे पढ़ते हैं. अभी होमवर्क अभी आप लोगों के लिए इतना कुछ हो नहीं पाएगा, फिर भी मैं एक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला इन पे क्वेश्चंस है एक शीट पोस्ट करता हूं, आप लोगों को ट्राई करना. नेक्स्ट टर्म पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट टर्म पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज तो सब काफी बेसिक्स ही था, धीरे धीरे डिवाइड है इसमें काफी लेवल अप होता जाएगा. ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म. डिटरमिनेंट्स के टेस्ट कब है? वो नेक्स्ट वीक में कब रखना है वो तुम लोग बताओ, कब आप लोगों के लिए कन्वीनियंट होगा. 20 questions, 1 attest. थर्सडे को रखें? थर्सडे को क्या? ठीक है चलो थर्सडे को रखते हैं. जस्ट 20 questions, 1 hour. टाइमिंग इवनिंग को ही रखेंगे 7 to 8. ओके चलो. ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे. बाय सर. ठीक है चलो. ओके बेटे अच्छे से रहो, ध्यान रहो, ध्यान रखो अपना, और नवरात्र अच्छे से सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो. चलो ओके बाय फिर. ठीक है बाय सर.
ओके बाय सर थैंक यू